गुड मॉर्निंग बच्चों, परसों मैंने अभी दो तीन दिन पहले हमने इस लेसन को शुरू किया था, जिसमें आपको एक पीडीएफ भेजा था, जिसमें आपको कहा था कि आप उसको पढ़िए और समझिए। आज उसी लेसन को हम, उसी चैप्टर को हम फिर टेकअप कर रहे हैं, जिसमें आपको उसका कुछ लेसन का छोटा सा भाग है, जिसको कि आपको इसमें आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड में कि चार चार लाइनें खींची हुई, जैसे कि आपकी कॉपियों में खींची हुई है। तो आपको अपनी कॉपी में ये हैंडराइटिंग के रूप में भी करना है और रीडिंग भी करनी है इसकी बार बार। तो रीडिंग मैं आपको करके बताता हूं और आप मेरे साथ इसको फॉलो करें। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस। नीनास आन वॉज गेटिंग मैरिड। नीना, हर फादर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। व्हाट कलर वुड यू लाइक मदर आस्क्ड। बच्चों, ये इस तरीके से आपको रीडिंग करनी है। अब मैं इस छोटे से भाग का आप हिंदी में इसका अर्थ बता देता हूं। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल था। नीना आंट वॉज गेटिंग मैरिड। क्यों? क्योंकि नीना के घर, नीना की चाची की शादी होने वाली थी। नीना, हर फादर एंड लिटिल ब्रदर। नीना, उसके पिताजी और उसका छोटा भाई वर ऑल गोइंग टू दिल्ली। वे सभी, नीना, उसके पिताजी और उसका छोटा भाई, सभी लोग शादी के लिए दिल्ली जाने वाले थे। एवरीवन वाज हैप्पी। और सभी लोग, परिवार के, घर के सभी लोग बहुत खुशी थे, एक्सेप्ट नीना। नीना को छोड़कर, होता है अपवाद, माने जितने लोग हैं उनमें से वो एक अलग है, उनसे हट करते हैं, उसको अपवाद कहते हैं। तो एक्सेप्ट नीना, नीना को छोड़ करके हर कोई प्रसन्न था। हर मदर टुक हर टू द मार्केट। उसकी माँ उसको बाजार ले गई टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी माँ उसको नया ड्रेस, नया कपड़ा खरीदने के लिए बाजार ले गई। व्हाट कलर वुड यू लाइक मदर आस्क्ड। माँ ने पूछा, बेटा तुमको कौन सा रंग पसंद है, तुम कौन सा रंग पसंद करोगे। तो बच्चों, ये इसका जो है जिस्ट हो गई, ये आपकी भाषा में, इसको आप बार बार पढ़ेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में जिस तरीके से मैंने आपको लिखा है अपनी कॉपी में, आज की डेट डालते हुए बाकायदा ये आपको करना है। धन्यवाद। शुभ दिन।